नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वर्तिया, मेरे साथ में मेरे भाई पिंटू एंड शशांक। तो आज हम आए हैं बुद्ध गया, ये बिहार पे स्थित है। तो चलेंगे अंदर, अंदर में कैसा है तो आपको दिखाएंगे। तो ये दोस्तों फ्रंट गेट का एंट्री है, यहाँ पे कुछ लिखा गया, वार्निंग वेयर ऑफ डॉग। बहुत बढ़िया तरीका से सजाया गया है फोन। यहाँ पे पहले थोड़ा हम शूज रख लेते हैं, रह गए हमारा शूज, तो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक घंटा है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री करते हुए बहुत सारे मूर्तियाँ बहुत एंड एलिफेंट्स की सेल्स के लिए रखा गया है। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया सुसज्जित किया गया है ये ड्रैगन शेप की सीढ़ी को, बहुत बढ़िया दिखता है। दोस्तों बुद्ध गया प्रतिष्ठ बिहार पे आता है, ये बुद्ध जी यहाँ पे बौद्धिस्ट धर्म लिए थे, तो इसलिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो चलेंगे अंदर दोस्तों। तो ऐसा सीढ़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी तरह से सजाया गया। वाह, एंट्री करते हुए बौद्ध जी का प्रतिमा इतना बड़ी तरह से। सत्संग पिंटू तो अपना पोज ले लिए है फोटो लेने के लिए। तो दोस्तों दूसरा एक साइड पे जाएंगे बौद्धिस्ट ही में, तो इसका यहाँ पे रखते हैं। और दो तीन पॉइंट्स है तो हमारे पास टाइम कम है, तो एक ऑटो रिक्शा को हायर किया गया है, उसको 2 घंटे की लिमिट के लिए लाया गया है। तो एक पॉइंट तो हो गया है, आगे दूसरा पॉइंट कौन सा वो घुमाने वाला है देखेंगे। अभी दोस्तों चलते हैं दूसरे एक साइड पर, तो रास्ता इस तरफ है, तो बाहर का नजारा ऐसा है दोस्तों। तो अभी चलेंगे दूसरा साइड, ये चलते हैं।
एक ही ले लो ना, थोड़ा सा इधर एक ही काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो सत्संग जी को बहुत पसंद है पॉपकॉर्न की, पास में एक पॉपकॉर्न का स्टॉल मिला तो ले रहे हैं पॉपकॉर्न। पास में हमारे एक छोटी है वीडियो देख के पास में आ गया। क्या नाम है बोल रहे बेटा? क्या नाम है आपका? घूमने के लिए आए हो? घूमने के लिए आए हो? कहाँ के रहने वाले? तो यहाँ का लोकल लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या क्या घूमने के लिए हम पूछते रहते तो बता रहे हैं। ऐसा हो गया चलो पॉपकॉर्न खरीदना। तो दोस्तों हम लोग का आगे है वेंट बुद्ध, 8 फीट हाइट वाला बुद्ध स्टेचू है यहाँ पे, साइन बोर्ड देखिए तो इस तरफ है। तो अंदर जाएंगे तो यहाँ से ही दिख जा रहा होगा, 80 फीट का बुद्ध स्टेच्यू है, सबसे बड़ा स्टेच्यू। देखिए दोस्तों ये एंट्री है, ग्रैंड बुद्ध स्टेच्यू, 8 फीट का बुद्ध स्टेच्यू है, कितना बड़ा, 80 फुट। देखिए दोस्तों जय बुद्ध स्टैच्यू 8 फीट, कितना बढ़िया है। नहीं है अरुणा जी, तो दोस्तों ग्रैंड बुद्ध की स्टेच्यू देखना हो गया, अभी जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। एक गार्डन है यहाँ पे बुद्ध जी का, सब म्यूजियम जैसा ही रखा गया है, तो वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए। तो ये शायद आपको रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा होगा, ये रहा हमारा 8 फीट का ग्रैंड बुद्ध स्टैच्यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो और एक स्पॉट को आए हैं हम, दोईजोक बुद्धिस्ट टेम्पल, दोईजोक बुद्धिस्ट टेम्पल मंदिर है, ये फ्रंट गेट ऐसा है,
अंदर वो तो एंट्री ब्रांच करेंगे, है अंदर अंदर कैसा है देखेंगे। ये उसका। जस्ट ग्रैंड बुद्ध का साइड में ही आता है, वो देखिए ग्रैंड बुद्ध दिख रहा है, उसका बाजू में मंदिर है। कितना बोल रहे लकड़ी ये सी सब ऊपर करो मूड चासना नहीं गला। हाँ मोल्डिंग ऊपर ये रोज जैसे ये दोस्तों अच्छा पट्टा ही दो जो मंदिर ये फाइनल पे हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बहुत तरह का बौद्ध मंदिर है, इस घर को सजाने के लिए बहुत सारे सामान मिल जाता है। तो हम लोग जैसा एक एलिफेंट एक बौद्ध स्टैचू का इस तरह का एक फाइनल किया गया है, बहुत अच्छे अच्छे तरह का बौद्ध स्टैचू एंड एलिफेंट हम लोग फाइनल किए हैं। जो भी आएगा यहाँ पे दोस्तों एक जगन्नाथ मंदिर है, तो जाके आने के बाद देखेंगे। ये बाहर की नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर, राम जानकी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। ये बुद्ध गया में है मंदिर को, तो बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। तो ये एक बुद्धगया का मंदिर है, महाबोधि महावीर मंदिर, ये बुद्धगया में आता है। ये बाहर की नज़ारा है दोस्तों, शायद अंदर मोबाइल लेना शायद अलाउ नहीं होगा, तो इसलिए मैं बाहर से इसको शूट कर रहे हैं। तो ऐसा है, और साइड में जगन्नाथ मंदिर है, इस साइड में बौद्धिस्ट मंदिर है। बहुत बढ़िया दृश्य है दोस्तों, सराउंडिंग एरिया भी बहुत बढ़िया है। पिंटू संसक तो आगे आगे ही जा रहे हैं, मोबाइल अलाउ नहीं है इसलिए मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है इसलिए शूट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बाहर सराउंडिंग के दृश्य है दोस्तों। बहुत पीसफुल एरिया है, दर्शन। कैमरा अंदर अलाउ नहीं था इसलिए आप लोगों को मैं बाहर के दृश्य दिखा दिया था। ये रही अभी रात की नज़ारा, ऐसा परिसर में नाइट में ऐसा दिखता है। तो अभी चलेंगे दोस्तों स्टेशन पर, रात गाड़ी तो लेट बहुत है,
एक्चुअली टाइम 9:30 बजे की टाइम थी, मगर 12 बजे की अभी कुछ मैसेज आया है, तो अभी सीधा जाएंगे, कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे स्टेशन पर। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉक में दोस्तों, पुरी पे। तो नेक्स्ट ब्लॉक मेरा पुरी दर्शन की आपको होगा, तो मिलेंगे पुरी वाली ब्लॉक में। तब तक आपका ख्याल रखिए, नमस्कार, जय जगन्नाथ।